गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट प्राइमरी सेल्स और प्राइमरी बैटरीज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंडरी बैटरीज और सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स और सेकेंडरी बैटरीज। एज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट द सेल्स और बैटरीज विच आर रिचार्जेबल, विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, दैट आर नोन एज सेकेंडरी बैटरीज और सेकेंडरी सेल्स। इसमें जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। ये क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, जैसे कि इसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें लेड है। तो लेड स्टोरेज बैटरी इट इज़ मेनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। जो गाड़ियों में बैटरी लगी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, और घरों में जो इन्वर्टर यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी होती है। तो आज हम इस लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी सेल्स में भी हमने पढ़ा, सेकेंडरी सेल्स में पढ़ेंगे कि कैथोड होता है, एनोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हम इसमें देखेंगे इसमें एनोड क्या होता है, कैथोड, PbO2, लेड डाइऑक्साइड, ग्रिड ऑफ लेड डाइऑक्साइड, वो क्या होता है? कैथोड। और एनोड क्या होता है? Pb, लेड। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड। फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस्ड बार्स, यानी कि बार होती है, छड़ होती है, अंदर से खाली होती है, उस फ्रेमवर्क को ग्रिड बोलते हैं। तो जो कैथोड होता है, लेड डाइऑक्साइड, ग्रिड ऑफ लेड डाइऑक्साइड यूज करते हैं, जिसके अंदर लेड डाइऑक्साइड फील्ड होता है। और एनोड में क्या यूज करते हैं? लेड यूज करते हैं। एक 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट की जो बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी, कंसिस्ट ऑफ 6 सेल्स ईच ऑफ 2 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी जो, उसके अंदर 6 सेल होते हैं, हर एक 2 वोल्ट का होता है। और सेल्स जो है किस तरीके से अरेंज है बैटरी के अंदर, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 सेल हैं। और अल्टरनेटिवली जो है 3 सेल्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करके कैथोड बना रखा है। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करके? टोटल करंट को इंक्रीज करने के लिए। और 3 जो है इसको क्या बना दिए? एनोड। आपको पता है एनोड जो है नेगेटिव चार्ज का होता है, कैथोड पॉजिटिव चार्ज का होता है। और ये जो कैथोड है ये किसका बना हुआ? PbO2 लेड डाइऑक्साइड का, लेड डाइऑक्साइड, ग्रेड ऑफ लेड डाइऑक्साइड। और एनोड जो है ये किसका है? Pb का, लेड का बना हुआ है। और इनके बीच में क्या है? बीच में ग्लास या फाइबर की सीट प्रेजेंट होती है इनको सेपरेट करने के लिए। और ये जो एनोड और कैथोड है, दीज आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यूज किया गया इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? 38% बाय मास और एंड हैविंग डेंसिटी डेंसिटी कितनी है इसकी? 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी है इसकी? 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
दो इंक्रीज करंट, करंट को इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया, कैथोड को तीनों का आपस में जोड़ रखा, यानी कि जो सेल्स कैथोड के तौर पर यूज हो रहे हैं उनको तीनों का ज्वाइन कर रखा है, और जो एनोड के तौर पर यूज हो रहे हैं तीनों का ज्वाइन कर रखा है, और इनको पैरेलल में, इन तीनों को पैरेलल में, और सिक्स के सिक्स सेल्स जो है उनको सीरीज में जोड़ रखा है टोटल 12 वोल्ट वोल्टेज को गेन करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी और रिचार्जिंग ऑफ बैटरी। ध्यान से यहाँ पर देखने की बात जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो H2SO4 है उसकी कंसंट्रेशन 38% बाय मास है, उसकी कंपोजिशन और उसकी डेंसिटी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी हम रिचार्जिंग या डिस्चार्जिंग की बात करेंगे, सबसे हम पहले कर रहे हैं कि रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है वो बतानी है, और डिस्चार्जिंग के दौरान कौन सी होती है, रिचार्जिंग के दौरान कौन सी होती है। रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एट एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, आपको पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एनोड हमारा क्या है, पीबी क्या सॉलिड है, प्लस सल्फेट SO4-2- सल्फेट एक्वस फॉर्म है फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, देन इट विल फॉर्म PbSO4, क्या बनेगा PbSO4, और ये सॉलिड बनेगा, प्लस में लेड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एट कैथोड, कैथोड पे क्या लिया गया है, PbO2 लेड डाइऑक्साइड लिया गया है, सॉलिड स्टेट में है, प्लस ये भी किसके साथ रिएक्शन करता है, सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। अब ध्यान से देखेंगे, वन सल्फेट यहाँ पर यूज हो रहा है, वन सल्फेट यहाँ पर यूज हो रहा है, और सल्फेट कहाँ से आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से। ध्यान से देखेंगे H2SO4 किसके बराबर होता है, अगर इसको डिकम्पोज करते हैं तो 2H+, और प्लस में क्या होगा, सल्फेट आयन SO4-2-। तो एक सल्फेट यहाँ पर यूज हुआ है, एक सल्फेट यहाँ पर, इट मीन दो सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, तो 2H2SO4 जब डिकम्पोज होंगे तो क्या बनेगा, 4S+, प्लस में 2SO4-2-, SO4-2-। तो दो सल्फेट में से एक सल्फेट यहाँ यूज हो गया, एक सल्फेट यहाँ यूज हो गया, तो H+ आयन कितने प्रोड्यूस हुए, 4H+। तो PbO2 प्लस सल्फेट AQ प्लस 4H+ AQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो Pb ने लूज किए थे, इट विल गिव, ये भी क्या देता है, PbSO4 जो बनता है सॉलिड स्टेट में बनता है, और प्लस क्या होगा, 4H+ है, PbO2 जो है Pb यहाँ पर प्लस 4 में है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो PbSO4 में किस में जा रहे हैं, +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद जो PbO2 से PbSO4 में जा रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन है दो ऑक्साइड आयन की फॉर्म में रिमूव होते हैं, 2 ऑक्साइड आयन और 4H+ आयन दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, 2H2O लिक्विड बन जाते हैं। तो ध्यान से इस रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, लेड सल्फेट बनता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 से +2 में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से PbO2 से जो ऑक्साइड आयन है और H+ आयन दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, H2O, और सल्फेट पीबी के साथ मिलकर क्या बन जाते हैं, PbSO4 बना देते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, एज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन सल्फेट आयन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, दो मॉलिक्यूल जो है सल्फ्यूरिक एसिड के यूज हो रहे हैं, तो इस तरीके से जैसे जैसे जो है बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी, देन व्हाट हैपेंस, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल डिक्रीज, सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। When density of H2SO4 falls to 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, then battery needs चार्जिंग, तब बैटरी को चार्जिंग की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि बैटरी जो है हम यूज करते रहे, बैटरी डाउन हो जाती है, फिर उसको चार्जिंग की ज़रूरत होती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि जब डेंसिटी जो है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से डिक्रीज होकर के 1.20 ग्राम हो जाए और
तब बैटरी को चार्जिंग की जरूरत होती है। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था, जिंक कॉपर सेल में पढ़ा था कि वहाँ पर पोटेंशियल 1.10 आई थी, और अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल उसे ज़्यादा लगा देते हैं देन बैटरी जो गैल्वेनिक सेल है उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाती हैं। ऐसे ही जब बैटरी को चार्जिंग की ज़रूरत होगी देन वी विल पुट या वी विल सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट की फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करेंगे उसको चार्ज करने के लिए। तो जिस टाइम पर चार्जिंग होगी तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर रिएक्शंस ड्यूरिंग रिचार्जिंग, जब बैटरी रिचार्ज होती है दोबारा से तो तब क्या केमिकल रिएक्शन होती है। अभी मैंने बोला एक्सटर्नल सोर्स जब अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो रिएक्शन जो रिवर्स हो जाएंगी, और एनोड पे जो रिएक्शन हुई वो कैथोड पे होगी, और जो कैथोड पे हुई है वो एनोड पे होगी। तो अब की बार हम क्या लिखेंगे, एट कैथोड पहली जो रिएक्शन थी हमने लिखी थी उसको रिवर्स कर देंगे। क्या लिखा जाएगा, PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव, ये क्या देता है, Pb सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस AQ। सेकंड एट एनोड क्या होगा, PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, दोबारा से क्या बन जाएगा, PbO2 प्लस PbO2 सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखेंगे जो रिएक्शन पहले एनोड पर हुई थी वो रिएक्शन कैथोड पे होगी और रिवर्स होकर होगी, तो रिवर्स रिएक्शन लिखी गई, और जो कैथोड पे हुई थी वो एनोड पर होगी और रिवर्स फॉर्म होगी। पहले वाली जो रिएक्शन है जो इस टाइम पे क्या होगा, जैसे जैसे जो है जब लेड सल्फेट जो स्टिक हो जाता है सेल्स के साथ में इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, तो रिएक्शन को रिवर्स करने पर दोबारा से वो डिजोल्व हो जाता है लेड और लेड ऑक्साइड की फॉर्म में, और सल्फेट आयन दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट हो जाता है और उसकी डेंसिटी दोबारा से इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ध्यान से देखेंगे जो पहले रिएक्शन हमने रिचार्जिंग की डिस्चार्जिंग की पढ़ी है उसमें ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग उसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखनी रह गई थी तो वो दोबारा लिख रहे हैं। एट एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई थी, पीबी सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस एक्वस, क्या बन जाता है, PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड कौन सी रिएक्शन हुई थी, PbO2 सॉलिड प्लस अनदर सल्फेट एक्वस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी क्या बना था, PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2। तो दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन देखो रिएक्टेंट रिएक्टेंट की साइड जोड़ेंगे Pb और Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड 1 सल्फेट और 1 सल्फेट 2 सल्फेट प्लस 2SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी इसको जो छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। कई बार एग्जाम में ओवरऑल रिएक्शन भी पूछ लेते हैं, ज़्यादातर केस में डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग के दौरान एनोड और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है उसको पूछा जाता है। तो ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट केस हमने पढ़ा है, फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा है लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल्स इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल और निकेड सेल। इसमें क्या होता है, दिस बैटरी इज मेनली यूज इन कैलकुलेटर्स में इसको यूज करते हैं, एंड दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है बट इट हैज़ लॉन्गर लाइफ देन दैट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा इसकी लॉन्गर लाइफ होती है। और इसमें क्या होता है, एट एनोड हम क्या लेते हैं, कैडमियम लेते हैं, क्या लेते हैं, कैडमियम रोड।
सी डी, जैसे वहाँ पर लेड लिया था, यहाँ पर कैडमियम यूज करते हैं। और एट कैथोड, कैथोड पे हम क्या लेते हैं, निकल फोर ऑक्साइड एन आई ओ टू, यानी कि निकल फोर ऑक्साइड को लेते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट यूज इज के ओ एच सोल्यूशन, पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ध्यान से इसमें देखेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वाटर में यूज किया गया है। केमिकल रिएक्शंस क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग जब रिएक्शन होती है इसमें, डिस्चार्जिंग जब बैटरी होती है, क्या केमिकल रिएक्शन होती है, ध्यान से देखेंगे। एट एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो सी डी सॉलिड स्टेट में है, प्लस टू ओ एच माइनस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, तो सी डी क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ये क्या बनाता है, सी डी ओ एच होल ट्वाइस। सी डी यहाँ पर जीरो स्टेट में है, यहाँ प्लस टू आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और क्या होगा, साथ में टू इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। और एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पर जो निकल फोर ऑक्साइड है एन आई ओ टू है, और टू वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन, प्लस टू इलेक्ट्रॉन, निकल फोर प्लस से किस में चला जाएगा, टू प्लस में, एन आई ओ एच होल ट्वाइस प्लस टू में चला गया, यहाँ से प्लस फोर से ये क्या होगा, रिडक्शन, तो ये क्या बन जाता है, अगेन प्लस में टू ओ एच माइनस प्रोड्यूस हो जाते हैं, टू ओ एच माइनस एक्वस और एक्वस। तो ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर, जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी में जो प्रोडक्ट है लेड सल्फेट बनता है, वो स्टिक हो जाता है किसके साथ, इलेक्ट्रोड के साथ। तो यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रोलाइट है अगेन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स इट हैज़ लॉन्गर लाइफ देन दैट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। और इसमें अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखनी हो, ओवरऑल रिएक्शन, तो क्या लिखा जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सी डी प्लस एन आई ओ टू प्लस टू एच टू ओ, और टू ओ एच माइनस इधर भी, इधर इसको छोड़ दिया, दो इलेक्ट्रॉन दोनों को छोड़ दिया, ये बन जाएगा सी डी ओ एच होल ट्वाइस प्लस एन आई ओ एच होल ट्वाइस। इस तरीके से ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है। और इसकी जो सेल पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ निकेड सेल, यानी कि निकल कैडमियम सेल की पोटेंशियल कितनी है, 1.4 वोल्ट, विच इज नियरली इक्वल टू 1.3 वोल्ट जो ड्राई सेल की होती है उसकी पास में होती है। तो ये आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इम्पोर्टेंस जो है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है लेड स्टोरेज बैटरी की है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो है लेड स्टोरेज बैटरी ही पूछा जाता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवार्ड्स असाइनमेंट फॉर टुडे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज असाइनमेंट फॉर टुडे। व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, राइट डाउन केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के ऊपर होने वाली केमिकल रिएक्शन लिखनी है, कब, लेड स्टोरेज बैटरी के केस में ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। और कौन सी कंडीशन है जिस पर हमें पता चलेगा कि लेड स्टोरेज बैटरी जो है उसको चार्जिंग की ज़रूरत है। और एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन लिखनी है, रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी के केस में, और डिस्चार्जिंग ऑफ निकल कैडमियम सेल के केस में। सो आई होप आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे केमिकल रिएक्शन, जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लर्न होगी, और आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आपको राइट करना है, प्रैक्टिस करना है, और इससे आपको ये याद रहेंगी। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।